ये है फ्रेंड्स टीवीएस स्टार, जो आपको 14,000 रुपये में विद इंश्योरेंस मिलेगी। सर ये कौन सा मॉडल है? 2003 मॉडल। 2003 मॉडल है जी। 2006 मॉडल। 2006 मॉडल है। ओके। जी सातवें महीने की। ठीक। डबल डिस्क में। ओके सर, इसकी क्या डिमांड है? इसकी डिमांड है कि 78,000। 78,000 रुपये। अच्छा सर, नेगोशिएशन कितना है इसमें? इसका 5,000 रुपये का नेगोशिएशन हो जाएगा। अच्छा, ये 73,000 की पड़ जाएगी। और कितना आपने इसका? 5 साल का इंश्योरेंस। तो यार ये मॉडल कौन सा बताया आपने? ये फर्स्ट ऑनर 2019 मॉडल है। ठीक। ओके सर, ये कौन सी है? होंडा का एक्टिवा है। होंडा का एक्टिवा 2017 मॉडल। 2017 मॉडल एक्टिवा जी। सर इसकी क्या कॉस्ट होने वाली है? 38,000 रुपये। ठीक। तो 38,000 सर, हमारे व्यूवर्स के लिए कितना इसमें डिस्काउंट रहेगा? 3,000 रुपये का डिस्काउंट। 3,000 रुपये का डिस्काउंट रहेगा। ओके, यानी कि 35,000 की पड़ेगी। ठीक। सर ये कौन सा मॉडल बताया आपने? 2017। ओके, दिया है जी होंडा वालों का, एक्टिवा वालों। जी जी, 2018 मॉडल है। ठीक। डिस्क ब्रेक। ठीक। फुल टॉप मॉडल, 5 साल के बीमे के साथ। ओह, तो जैसा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, डिस्क ब्रेक में है ये। ये देखिए, फर्स्ट ऑनर है। ओके, 5 साल का बीमा है। 5 साल का इसमें बीमा है। 50,000 की डिमांड है। 5,000 यानी कि 45 की पड़ेगी। ओके 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 फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। सर ये चली कितनी है गाड़ी? ये चली हुई है लगभग 18,000 किलोमीटर। 18,000 किलोमीटर है। और 45,000 की ऑन रोड पड़ेगी विद इंश्योरेंस 5 साल के इंश्योरेंस के साथ में। ओके, तो फ्रेंड्स ये आप कौन सी है सर? होंडा, ये भी एक्टिवा ही है। 6G है ये। एक्टिवा 6G है ये। ओके, ये ड्रम ब्रेक में है। हाँ जी, 2020 मॉडल लास्ट। 2020 मॉडल लास्ट का रहेगा जी। ये 70,000 रुपये का है। 5,000 रुपये का डिस्काउंट होने के बाद ये पड़ेगा आपको 65,000 का। ओके ठीक, फुल टॉप मॉडल है। ओके सर, ये स्प्लेंडर प्लस। स्प्लेंडर प्लस है 2021 मॉडल जी, 5 साल के बीमे के साथ में, 8वें महीने की। 2021 मॉडल बताया ना आपने सर, ये कितनी चली है? 8वें महीने की। ये लगभग 5,500 किलोमीटर चली। 5,500 किलोमीटर चली। सर इसकी क्या क्या डिमांड है? 70,000 रुपये की डिमांड है। 5,000 रुपये का डिस्काउंट होने के बाद ये 70,000 रुपये की पड़ेगी। 70,000 रुपये की पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, आपको स्प्लेंडर प्लस मिलने वाली है 70,000 रुपये में। 2021 मॉडल, 8वें महीने का, यानी कि सितंबर जी। सर ये कौन सा आया? ये हीरो का ड्यूक है। ड्यूक, ओके। 2018 मॉडल लास्ट का, 5 साल का बीमा है इसका जी। इसकी डिमांड 40,000। 40,000 रुपये होने के बाद ये पड़ेगा 35,000। 35,000 रुपये का। सर ये चला कितना है? ये चला हुआ है 18,000 किलोमीटर। 18,000 किलोमीटर चला। ओके, डिस्क ब्रेक टॉप मॉडल, 5 साल के बीमे के साथ। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप इसमें डिस्क ब्रेक है जी। व्हील की कंडीशन भी आप देख सकते हैं सारी जी। 5 साल के बीमे के साथ में इसकी डिमांड है कि 55,000 रुपये, 5,000 रुपये का डिस्काउंट होने के बाद
ये पड़ेगा 50,000। 50,000 का पड़ेगा, ठीक। और ये भी ये कौन सा माइस्ट्रो है? ये माइस्ट्रो 2019 मॉडल जी, 2019 मॉडल। ये ड्रम ब्रेक में है? ड्रम ब्रेक में फर्स्ट ऑनर 5 साल का बीमे के साथ में 125। 125 सीसी में जी। मैस्ट्रो एक नया वाला मॉडल। ओके सर, इसके क्या आस्किंग प्राइस है? इसकी डिमांड रहेगी 55,000 रुपये, 5,000 रुपये का डिस्काउंट होने के बाद ये पड़ेगा 50,000। ये 50,000 का पड़ेगा, ठीक। ये पल्सर है 2019 मॉडल जी, इसकी कीमत है कि 60,000 रुपये, 5,000 रुपये का डिस्काउंट होने के बाद ये पड़ेगी 55,000। सॉरी, 5 साल का बीमा, फर्स्ट ओनर है, 10,000 किलोमीटर चली हुई है। 10,000 किलोमीटर चली। अच्छा सर, ये इसमें मीटर वगैरह में कोई टैंपरिंग तो नहीं होगी? कुछ नहीं, ओरिजिनल जेन्युइन। अच्छा सर, अगर कोई जैसे लेके जाता हमारा व्यूअर और उसके बाद उसमें कोई दिक्कत आती है गाड़ी में, तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा? रिटर्न। अच्छा, रिटर्न है। ओके ओके ओके। अच्छा, इसमें कोई गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं होगी? कुछ नहीं, अगर होगी तो बताई जाएगी कि उसका वो एक्सीडेंटल है जी। ओके ओके ओके। रॉयल एनफील्ड, ये रॉयल एनफील्ड 2020 मॉडल है जी, कार्बेटर वाली जी। BS5 देंगे डिस्क ब्रेक से, स्टैंडर्ड एक्स। स्टैंडर्ड एक्स जी। सर, इसका क्या आस्किंग प्राइस है और ये चली कितनी है? चली हुई है जी, ये लगभग 9,000 किलोमीटर चली हुई है। सर, आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें तो मीटर एनालॉग है, इसलिए सारा चीज़ दिख जाएगा जी। इसका सर आस्किंग प्राइस क्या है? इसका आस्किंग प्राइस है 1,40,000। 1,40,000। ओके सर, और इस पर नेगोशिएशन कितना है? इसके अंदर 5,000। 5,000 रुपये, यानी कि 1,35 की पड़ेगी, 135 की पड़ेगी। एक ये रॉयल एनफील्ड और भी है साथ में, ये कौन सा मॉडल है सर? ये 2021 मॉडल। ये 2021 मॉडल है जी। सर, इसका क्या आस्किंग प्राइस है? इसकी है जी 1,50,000। 1,50,000 रुपये, 8,000 किलोमीटर चली हुई है जी, 5 साल का बीमा है। अच्छा, 5 साल का बीमा। अच्छा सर, सब ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है जिससे? फर्स्ट ओनर गाड़ी जी। कितने की? 1,50,000। 1,50,000। नेगोशिएशन के बाद में या रेगुलेशन के बाद में ये पड़ेगी 145 की पड़ेगी। ओके, अब बोले 350 में है, आप देख सकते हैं कंडीशन गाड़ी की, एकदम जेन्युइन कंडीशन में है गाड़ी। अरे, कौन सा मॉडल बताया था आपने? 2021 मॉडल है सर। ये न्यू कितने की आ रही है? न्यू ये आ रही है 2,15,000 रुपये। 2,15,000 की। ओके, और ये सब रामपुर नंबर ही है? सिर्फ रामपुर ही नंबर मिले। अच्छा सर, आपके पास जितनी गाड़ी है सब रामपुर नंबर ही है? सब रामपुर नंबर, कहीं बाहर NOC इशू करवा देंगे। अच्छा, उसके लिए NOC आप करवा के देंगे कंपनी। सर, ये कौन सी है पीछे? शाइन है, ये सीबी शाइन है जी, 2016 मॉडल। ओके सर, इस चली है लगभग 22,000 किलोमीटर। 22,000 किलोमीटर चली है, क्योंकि एनालॉग मीटर है फ्रेंड्स, इसको मैं दिखा सकता हूँ आपको, शायद आप देख पा रहे हो ये है जी। सर, इसका क्या डिमांड है? 35,000 रुपये। 5,000 रुपये का डिस्काउंट होगा, ये पड़ेगी 30,000। 30,000 की पड़ेगी। ओके, मेरा नाम शताब पानी जी। जी सर, आपकी कंपनी के बारे में और अपने शॉप के बारे में भी थोड़ा बताएं जी। ये शॉप हमारी लगभग 18 साल पुरानी है जी, सेल परचेस की ही, सेल परचेस का ही काम है। अच्छा 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 जी। और आपको हर गाड़ी अवेलेबल मिलेगी, अगर आपकी जो भी डिमांड है उस गाड़ी की डिमांड पूरी करी है। अच्छा, कस्टमर के हिसाब से। ओके, तो सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ बताएँ। मेरा एड्रेस है माला रोड जी, नवाब गेट पर जी, माला बाइक के नाम से सेल एंड परचेस। सर, किस नाम से आपका? माला बाइक। माला बाइक, ओके ओके ओके, ठीक। सेल एंड परचेस, माला बाइक सेल एंड परचेस, ठीक। सर, आप अपना हमें कार्ड दीजिएगा, हम आपको एड्रेस वगैरह सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन में देंगे फ्रेंड्स, आपको वहाँ से सारी चीज़ मिल जाएगी। अगर आप सर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं गाड़ी लेने के लिए, तो आप ज़रूर आएँ, एक बार विजिट ज़रूर करें सर के पास। बिल्कुल, आपको पूरी तसल्ली दी जाएगी, पूरा आपको कन्फर्म होकर ही गाड़ी दी जाएगी जी। जी, आप पूरी तरह से सेटिस्फाई होने के बाद ही आपको गाड़ी मिलेगी जी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ सारी गाड़ी जेन्युइन है, इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम या परेशानी कस्टमर को आती है तो उसके लिए हमारे पास मैकेनिक अवेलेबल है। मैकेनिक की, अच्छा, मैकेनिक की सुविधा है जी? जी, मैकेनिक की फुल सुविधा है जी। जी, फिर अगर आपके कहीं रास्ते में भी खराब होती है तो आप सिर्फ हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, मैकेनिक आपका वहीं पहुँच के अच्छा सारी सुविधा को, प्रॉब्लम को जी अगर करने का हल को करेगा, पूरा समाधान को मिलेगा आपको। ये हमारे मैकेनिक हैं जी, नादिम साहब जी।
सर बताइए सर अपने बारे में थोड़ा। किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत हो बाइक के अंदर रिपेयरिंग वगैरह में सर्विसिंग में जी, तो बेहतरीन तरीके से मरम्मत की जाती है गाड़ी की सर्विसिंग जी, ओरिजिनल पार्ट्स के द्वारा। अच्छा, पूरे सेटिस्फाई हुई चला कर देंगे जी, फिर आप ले जाइए, ग्रेंटेड आपका समाधान किया जाएगा। की बाइक हो GS6 GS4 हो ATS4 बाइक KTM आपकी स्पेनर वगैरह कोई भी बाइक लाइए आपकी, आपकी सुविधा अनुसार काम किया जाएगा। पूरे कहीं पर भी ट्राई कर लीजिए, अच्छा मुनासिब ओरिजिनल पार्ट्स के साथ किया जाएगा। अच्छा, किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरा सेटिस्फेक्शन होगा आपको, फुल सेटिस्फेक्शन के साथ में सारा काम करके देंगे जी। बिल्कुल, उसके बाद में भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, अगर आप कहीं हैं तो आप मेरा नंबर लीजिए, तुरंत आप कॉल करिए भैया के डिस्क्रिप्शन बोल जो है आपको नंबर मिल जाएगा। We'll be right back.